नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मोटे वाले सेव और पापड़ी। तो हम ये बेसन से बनाएंगे और उसमें डालेंगे हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप चाय के साथ भी इन्हें ले सकते हैं और किसी नमकीन में मिलाकर भी खा सकते हैं, जैसे कि मुरमुरा में या पोहे के चूड़े में। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं ये सेव और पापड़ी। सबसे पहले हमें लेना होगा बेसन। तो यहाँ एक कटोरा ले लिया है, एक छलनी ले ली है और इस कप से हम 3 कप बेसन लेंगे। तो अभी 2 कप छान लेते हैं, फिर एक कप और ले लेंगे। तो ये 3रा कप भी ले लिया और इसी कप से हम लेंगे 1/2 कप चावल का आटा। देखिए ये छान लिया है। अब 1/2 कप ले लिया है मैंने चावल का आटा। चावल के आटे से हमारे सेव और पापड़ी और भी क्रिस्पी हो जाएंगे और टेस्ट दोगुना हो जाएगा। इसे भी छान लिया है। अब इसमें 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे हम और 1/4 चम्मच जितना मैंने हींग लिया है, 1/4 चम्मच लिया है काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डालते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 चम्मच मैंने डाला काला नमक और 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे वाइट वाला नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हाथों से आप मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो पानी हमें ज़रूरत के हिसाब से लेना है, जितना पानी लगेगा उतना लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे 250 ग्राम जितना पानी लगा था। तो देखिए पानी डाल के हमें इस तरीके से इसका घोल तैयार करना है। और हमने तेल का मोहन इसमें अभी नहीं दिया है, हम ऊपर से इसमें गरम गरम तेल डालेंगे। तो देखिए घोल तैयार होने के बाद 1 बड़ा चम्मच गर्मा गर्म तेल डाल दीजिए इसमें। इससे ही हमारे सेव और पापड़ी खस्ता और करारे करारे बनेंगे। और अब ये गरम गरम है इसलिए इसे चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। हाँ, आपको मिक्स बहुत अच्छे से करना है ताकि पूरे घोल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए मैंने कितना गाढ़ा रखा हुआ है इसका घोल। अब ले लीजिए मोल्ड, तो आपके पास जो मोल्ड हो वो ले लीजिए। अब मेरे पास ये वाला है और ये देखिए पापड़ी की जाली ली है मैंने सबसे पहले। देखिए कुछ इस तरीके की होती है पापड़ी की जाली। अब इसमें फिल कर देंगे हम ये घोल। तो इस मोल्ड में ये घोल फिल कर देते हैं। आप इससे टाइट रखेंगे घोल तो थोड़ा आपको डालने में, कढ़ाई में जब डालेंगे पापड़ी तो थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए ऐसे ही रखिएगा। अब बंद कर देते हैं मोल्ड को और फ्राई करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल अच्छी तरीके से गरम है, फ्लेम अभी हाई है और अब हम इसमें पापड़ी डाल देते हैं। तो हाई फ्लेम पे ही डालिए तो बहुत अच्छे से बनेगी। बाद में आप मीडियम कर दीजिएगा ज़रूरत के हिसाब से। तो देखिए हमने पापड़ी डाल दी है। अब एक तरफ से जब अच्छे से सीख जाइए तब हम सीख जाए यानी कि फ्राई हो जाए तभी हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो एक तरफ से हमारी पापड़ी थोड़ी फ्राई हो गई है। अब हम धीरे से ऐसे पलट देते हैं। बस इसी तरीके से दोनों तरफ से आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। तो ज़रूरत हो तो और एक बार इसे पलटी कर दीजिए और अल्टी पलटी करके इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब हमारी पापड़ी यहाँ फ्राई हो गई है। अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया है। आप चाहें तो हाई टू मीडियम कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारी पापड़ी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर ली है। अभी 1/2 घोल बचा हुआ है हमारा, उससे बनाएंगे हम मोटे वाले सेव। तो मोटे वाले सेव बना लेते हैं हम। तो देखिए मोटे वाले सेव के लिए ये वाली जाली ले ली है मैंने और इसी सेम मोल्ड में हम इस जाली को डाल देंगे और इसमें भी उसी तरीके से बैटर फिल कर देंगे।
घोल फिल कर देंगे और सेम उसी कढ़ाई में हम सेव फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सेव डालना है और अभी भी हाई फ्लेम है, हाई फ्लेम पे ही डालिए। हाई टू मीडियम फ्लेम के बीच में आपको फ्राई करना है तो सेव भी एक तरफ से फ्राई हो जाए, तब इनको धीरे से हम पलट देंगे। बहुत अच्छा नमकीन है, बहुत आसानी से बन जाता है और इस महामारी के टाइम बाहर का नमकीन हमें नहीं खाना चाहिए, इसलिए घर में ही ऐसे बना लें तो बहुत अच्छा है। देखिए एक तरफ से सेव हमारे फ्राई हो गए थे तो मैंने पलट दिया है और इस टाइम मैं तो बिल्कुल बाहर से नमकीन नहीं लाती हूँ, घर में ही ऐसे बना लेती हूँ। वैसे मैं हमेशा ही सेव वगैरह खरीद के कभी नहीं लाती, घर में ही बना लेती हूँ ये सेव पापड़ी। तो देखिए हमारे सेव फ्राई हो गए हैं, अल्टी पल्टी करते हुए हमने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत जल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसी तरीके से सारे सेव भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी सेव भी फ्राई हो गए हैं, पापड़ी भी फ्राई हो गई है। इन्हें ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में भर दीजिए और महीने भर तक आप आराम से खाइए। देखिए इस तरीके से तोड़ लीजिए और किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए, जब मन करे तब खाइए। पोहा चूड़ा के साथ भी आप इसे खा सकते हैं या मुरमुरे के साथ भी आप ले सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। थैंक